हिंदू मुस्लिम एकता लाइए, मेरा यही नारा है। वैसे बोलते हैं तो पूरा चीफ भी बोलते हैं तो भ्रष्ट पदाधिकारी को 107 प्रणाम हटाना पड़ता है। हटा क्यों नहीं होता 107 प्रणाम? अच्छा आपका नाम हम बन जाने से भी उनको बहुत तकलीफ होता है। तरह से वो ट्वेंटवाजी फेसबुक और पॉलिटिकल सभाओं में इनके 107 का जिक्र कर रहे हैं। वो इतने तकलीफ में जी रहे कि उनके तकलीफ के बारे में ऐसे बताना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी को इतनी तकलीफ ऐसी जगह पे है कि न वो इलाज कर सकता है, न दिखा सकता है, न बता सकता है। उसकी तकलीफ जायज है, उसकी तकलीफ रहेगी। और जब तक हम जैसे आप जैसे ईमानदार लोग हैं उन दलालों की तकलीफ होती रहेगी। तकलीफ अच्छा है, होना चाहिए। सवाल हिंदू सुविधाओं की हो, यहाँ मोटे के ठेकेदार पिछले 20 साल से आते हैं। इस बार बात को रोकने समझने वाले लोग आते हैं आपके पास, आपको थोड़ा थोड़ा की बात कहते हैं, चले जाते हैं। आज एक दिलचस्प बात बताता हूँ, उससे एक बात तो ये समझ में आ जाएगी कि 20 साल से लोनिया चौधरी के बाद में यहाँ का मुखिया बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया? लग रहा है नहीं बनाया, इसलिए आवाज कम है। अरे यहाँ के मुखिया बनाने में या मुख्य विपक्ष रखने में सबसे बड़ा जो किसी का योगदान रहा है तो लोनिया चौधरी मौला का रहा है या नहीं रहा है? चीफ के बोल में आपने नेताओं पे एहसान किया है तो वो मुखिया बने। आपने उन पे एहसान किया है तो जाके वो विपक्ष में रहे। आपने उनको अपने वोटों का कितना भरा था उनके झोलियों में तो वो विपक्ष में रहे। मगर 20 साल होने के बाद आज फिर मुनिया टीवी की हमारी माँ बहनों को औरतों को मदरसा तक चल के जाना होगा। एक स्कूल मुनिया टीवी में नहीं खुलवाने वाले कम में भी आके कहते हैं कि हमें बदलाव होना चाहिए। सबसे ज्यादा बूथ पे तकलीफ मिलेगा दुनिया डिग्री की माँ बहनों को होगी, यहाँ के बुजुर्गों को होगी, यहाँ के लोगों को होगी। क्यों दुनिया डिग्री रोहतास नगर पंचायत के लक्षा से बाहर था या अकबरपुर के पंचायत से बाहर था या सिर्फ इसको इसलिए पिछड़ा धकेल दिया गया कि यहाँ का वोट बैंक तो काम आएगा, यहाँ के लोग काम नहीं आएंगे? 4.5 साल तक आपके धर्म में कोई नहीं आता। अगर धर्म में काम आया होता तो ये ऊपर खाबड़े यहाँ पे बोल रहे थे, नजर नहीं आ रहा होता। की बात होती है, जमीन की बात होती है, स्कूल की बात होती है, उप स्वास्थ्य केंद्र की बात होती है, मगर किसी ने नहीं किया। आज अगर खुदा न खास्ते कोई ऐसी घटना घट जाए तो एक एम्बुलेंस तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी। इस बात की बात मैं क्या कहूँ, आप वहां पर जाकर समय देख लीजिएगा, जो यहाँ लोग हैं देख रहे हैं समझ रहे हैं। क्या यहाँ पर रह रहे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? पिछली बार हमारी सभा वहां हुई थी, इस बार जान पूछ करके यहाँ किया है कि यहाँ का जो जहाँ पे है वही आगना दिखाया जाएगा। कहीं नाली पे खड़े होकर सभा करेंगे हम लोग, कहीं कचरे पे सभा करेंगे। जो जो तुम्हारा परमापन है तुमको तुम्हारा आईना दिखाएंगे। हमारा काम है आईना दिखाना, चेहरे पे तुम्हारे दाग है सामने से हट जाओ। हम माफ करा देंगे तो मौका तो हम माफ कराने वाले हैं।
बिजली विभाग से कराया है, फिर हम पे करते हैं, माफ क्यों करा रहे हो? रोहतास के मजबूत सुविधाओं के लिए रह सकता है तो हम रोहतास के रहते क्यों अलग अलग